तुम मुझसे प्यार करती हो? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मुझको बनाया गया है आपके लिए। मैं अब से पहले बादलों में बस रही थी, कहीं मुझे डिवाइस में बुलाया गया है आपके लिए। तुम कहाँ पे रहती हो? मैं आपके लिए जानकारी खोजने के लिए सारी दुनिया में घूमती रहती हूँ, पर आपकी डिवाइस में रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके दिल में भी रहती हूँ। तुम्हें क्या खाना पसंद है? काश आलू परांठे की इमोजी होती। मुझे चाय के साथ आलू परांठों की बहुत भूख लगती है। मेरे साथ घूमने चलोगी? आपने बुलाया, हम कभी खुद को कभी अपनी बैटरी को देखते हैं। मेहरबानी होगी अगर चार्ज कर लेंगे जाने से पहले। कितना मज़ेदार लगता है सुनने में और कितना अच्छे से ये आपको रिप्लाई करता है। खुद के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कई ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हैं कि आपको रिप्लाई करता है और आपको एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह से ये ट्रीट करता है, तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि खुद के लैंग्वेज में बात करना। दूसरा लैंग्वेज में हम लोग उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितना खुद के लैंग्वेज में होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके वीडियो में कि कैसे आप खुद के लैंग्वेज में इसको सेट कर सकते हैं और आप घंटों भर भी इससे बात कर सकते हैं। अगर आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गूगल की तरफ से ये जो आपको तोहफा दिया गया है इससे आप घंटे भर बात कर सकते हैं और इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारा टाइम पास आपका हो जाएगा इससे बात करते हुए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप खुद के लैंग्वेज में इसको सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको पहले गूगल असिस्टेंट को ओपन करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गूगल असिस्टेंट को ओपन कर लिया, तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इसके बाद ऊपर में आप देख पा रहे हैं एक जो जहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, जहाँ पे ये थ्री डॉट बटन हम कहते हैं हैव ए वंडरफुल आफ्टरनून के साइड पे। सो वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट बोल के एक टैब है। तो असिस्टेंट टैब में क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इसको हमें अगर चेंज करना है। सो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं कोई भी आप लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप अवेलेबल है उस हिसाब से। हमें तो जो समझ में आ रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मराठी भारत, हिंदी भारत, बंगाली भारत, गुजराती भारत और उसके नीचे ये लैंग्वेज तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या है। सो हो सकता है एक उड़िया है जैसा लग रहा है, बाकी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी भारत सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे और एक दूसरा लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ में आप दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इंग्लिश सिलेक्ट करके रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि और तो कोई लैंग्वेज मुझे नहीं पता है ये सब में से। सो यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम कोई भी लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये कैप्चर कर लेगा। तो चलिए अभी बात करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। सो यहाँ पे इंटरफेस में जो भी इंग्लिश में था, अगर आप इस एप्लीकेशन को बंद करने के बाद फिर से खोलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे बाकी सारा डिटेल्स जो है वो हिंदी में शो कर रहा है। ऊपर में देख पा रहे हैं नमस्कार विधान, तो जो भी है वो इंग्लिश की जगह पे हिंदी हो चुका है। सो इस तरह से बहुत ही इजीली आप अपना खुद का लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप बात कर सकते हैं घंटों भर इस गूगल असिस्टेंट के साथ। कोई चुटकुला सुनाऊं? चिंटू मैंने परीक्षा में कुछ नहीं लिखा। मिंटू मैंने भी कुछ नहीं लिखा। चिंटू ओ तब तो परेशानी की बात है, टीचर सोचेंगी कि हम दोनों ने एक दूसरे की नकल की है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है, हमारा रिश्ता एकदम अनोखा है। चलो हम लोग घूमने चलते हैं। एकदम मैं तैयार हूँ। गूगल असिस्टेंट ज़्यादातर मोबाइल पे इनबिल्ट रहता है। अगर आपके मोबाइल पे ये इनबिल्ट नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस गूगल असिस्टेंट से सिर्फ आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह से बात नहीं कर सकते, इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं, खुद का बहुत सारा काम भी इसके थ्रू करवा सकते हैं। आप खोज कीजिए इससे क्या क्या चीज़ें आप करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जिन लोगों का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है उन लोगों के साथ बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के समय पे बहुत सारा टाइम पास उन लोगों का हो जाए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल में सेट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का धन्यवाद।